बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मोहम्मद आसिम आपकी खिदमत में हाज़र हैं। आज हम क्रॉस सेक्शन के अंदर से कट और फिल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए हम ऑटोकैड खोलते हैं और सबसे पहले हम अपनी प्रोटोटाइप फाइल को ओपन करते हैं। ये वो प्रोटोटाइप फाइल है जिसके ऊपर ये क्रॉस सेक्शन का प्रोग्राम चलता है। अब हम अपलोड की कमांड से कुछ लिस्प्स हैं उनको लोड करते हैं। क्रॉस सेक से ये चलती है। अब आप एंटर करें और डेस्टिनेशन पे जाएं जहाँ पे आपने अपनी PRN फाइल बना के रखी हुई है। ये आपके सामने क्रॉस सेक्शन ड्रा हो गया, इस तरह ही आप भी ड्रा कर लीजिएगा। अब मेनली यहाँ पर मैं जो सिखाना चाहता हूँ वो कट फिल एरिया निकालना सिखाना चाह रहा हूँ। अब आप यहाँ पर अपलोड करके तो जहाँ पे आपकी एरिया निकालने वाली प्रोग्राम पड़े हैं उनको आप लोड कर लें। इस RT reptext वाली लिस्ट को भी लोड कर लें, इसका फिर फंक्शन मैं आपको बाद में समझाता हूँ। तो यहाँ पर अब आप AS लिखेंगे तो अब ये आपका चूँकि फिलिंग वाला एरिया है, ये हमारी NSL जा रही है, ये हमारा ऊपर बैंक है, तो ये फिलिंग वाला एरिया है और ये फिलिंग वाला एरिया है। इसको हम ऐसे क्लिक करेंगे तो ये फिलिंग वाला एरिया निकल आया। अब हम जो हमने reptext लोड की थी उसकी शॉर्ट फॉर्म है RT। एंटर करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिल एरिया में लिख दें। दोबारा से AS चलाएंगे, ये चूँकि प्रिज्म का कट है इसको कैलकुलेट करेंगे। क्लिक क्लिक क्लिक, जितने भी प्रिज्म्स बनती हैं यानी जितने भी क्लोज बाउंड्रीज बन रही हैं उनमें हम क्लिक क्लिक करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा। RT करेंगे यहाँ से और प्रिज्म में लिख देंगे तो ये इसको हम काट देंगे क्योंकि ये नेचुरल सरफेस लेवल से नीचे है। ये आपके सामने एरिया कैलकुलेट हो गया, नहायत आसान है। अगर आपको इसमें कोई मुश्किल पेश आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अस्सलामुअलैकुम।